प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बीच उन्होंने कई सारे वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार को जमकर कोसा भी है। एक तरफ अखिलेश योगी सरकार को कोस रहे हैं तो योगी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके पुराने कार्यकाल में जो गलतियां हुई हैं उसे गिनाने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं, दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वो मलेरिया हो, कालाजार हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या आम बीमारी, इनका उपचार नहीं होता था पहले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण कर इस प्रकार की बीमारियों की जाँच का केंद्र बना दिया है। प्रधानमंत्री के तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ अगले ट्वीट में कह रहे हैं कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए मां पाटेश्वरी देवी की भूमि पर अटल जी की कर्मभूमि का उन्होंने का आगमन हुआ था और उस काम को उन्होंने करवा दिया। दूसरे तरफ वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने अगले ट्वीट में कि वर्ष 1972 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को सहमति मिली थी, लेकिन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इन सपनों को तब पंख लगा जब वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनी। तो सीधे तौर पे किसानों की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, केंद्र की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कई वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाली। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था, 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया, और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्म भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। लेकिन सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने इन्हें रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था, 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100
ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।